हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ चू चू नान की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें मैंने मैदा या ईस्ट किसी भी ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं किया है जो आपके किचन में अवेलेबल ना हो। सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो ऑलरेडी आपके किचन में अवेलेबल होंगे। सो ईज़िली आप भी सुपर सॉफ्ट एंड खस्ता नान को बना के इंजॉय कर सकते हैं। मैंने नान बनाने के 2-3 मेथड शेयर किए हैं, आपको जो भी मेथड ईजी लगे उसे ट्राई कर सकते हैं। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैं ये 1.5 कटोरी आटा ले रही हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लीजिए। 2 टीस्पून घी है ये, 3 टीस्पून कर्ड, 1/2 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा अजवाइन, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून शुगर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से। एंड जितने रिक्वायरमेंट हो वाटर का, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ऐड करते हुए सॉफ्ट डो लगाना है। थोड़ा सा मैंने घी लिया है हाथ पे और इस तरीके से मैश करते हुए सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ये देखिए मैंने डो लगा लिया है और इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने ये ऑयल डाला है पैन में, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड, ग्रीन चिली इसको मैंने चॉप कर लिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट सॉटे कर लेंगे हल्का सा, ये चॉप्ड अनियन है इसको भी भूनना है इस तरीके से भून लेंगे, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा ये क्यूमिन पाउडर है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस को। स्टफिंग को गीला नहीं रखना है, बहुत सूखा ही रखना है, अगर गीला हो जाएगा तो फिर फिलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से भून लेंगे स्पाइसेस को। ये पनीर है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये बॉयल्ड पटेटो इसको भी मैश करते हुए मिक्स करना है स्पाइसेस के साथ में। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स हैं इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स हो गया है। अभी इस गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और इसको छोड़ देते हैं। जो डो लगा के रखा था उसको चेक करते हैं। इस तरीके से मैश कर लेंगे इसको। थोड़ा सा ये कोरिएंडर लीव्स को ऐड किया है, ऑप्शनल है टोटली, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए। और इसको इस तरीके से बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने डिवाइड कर लिया है, इसको रोल करेंगे। देखिए मैंने एक बॉल को लेके इस तरीके से रोल करना है इस तरीके से। इवन लेयर में इसको रोल करेंगे। देखिए ये रोल हो चुका है इस तरीके से। इसके ऊपर मैं ये देसी घी है ये स्प्रेड करूँगी। इस तरीके से स्प्रेड करना है घी को। थोड़ा सा ये सूखा आटा है इसको भी इस तरीके से डाल देंगे और इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। देखिए मैंने इसको रोल कर लिया है एंड इस तरीके से इसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। ये मैंने इसको पीसेस में डिवाइड कर लिया है
एंड इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। जो भी इसकी जो ये लेयर्स निकली हुई है इनको अंदर फोल्ड कर देना है और इस तरीके से फैला लेंगे। एंड इसमें ये स्टफिंग है इसको फिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से क्लोज कर लेंगे इसको। ये मैंने अच्छे से इसको क्लोज़ करके जो भी इसका एक्स्ट्रा एज था वो निकाल दिया है और इस तरीके से बॉल बना के इसको रोल भी करना है। इस तरीके से हाथ हैंड से ही करेंगे। सॉफ्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा रोल। इस तरीके से देखिए रोल हो चुका है। तरीके से ये कलौंजी, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स इस तरीके से, और इसके बैक साइड में मैंने ये वाटर लगा दिया है ये देखिए, और थोड़ा सा तवे में पानी छिड़केंगे। इसके बाद में इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और जब इसके ये किनारे ब्राउन होने लग जाएंगे तब इसको इस तरीके से सेकेंगे, तवे को घुमा घुमा के चारों तरफ से इस तरीके से सेकना है। ये देखिए सिक रही है, जिधर आपको बीच बीच में चेक करना है, जिधर नहीं सिकती है उस साइड में सेकना है। ये देखिए सिक चुकी है, देखिए पीछे जो बैक साइड है वो भी अच्छे से सिक चुकी है। इसको हटा लेंगे। दूसरी तरीके से आप इस तरीके से सेक सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है तवे पे और इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए दोनों साइड से इस तरीके से सेक लेंगे। आपको जो भी मेथड इजी लगे वैसे बना सकते हैं। ये देखिए ये भी चारों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। एंड तीसरे आप ऐसे भी सेक सकते हैं, थोड़ा सा सेक के इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी सेक सकते हैं। एंड लीजिए आपकी गर्मा गर्म खस्ता नान बनके तैयार हैं। बहुत ही जल्दी बन जाएंगी और हेल्दी तरीके से मैंने इसको बनाया है, मैदे का यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना खस्ता बना है, एकदम कहीं से भी आप इसको टच करो एकदम टूट जा रहा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी बनता है एंड बहुत जल्दी बनता है। आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं किसी को भी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।